हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिकी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पॉलीटेक्निक सारे छात्रों ने जो है पेपर हुए थे, उनका रिजल्ट घोषित हुआ था, तो उसी को देखते हुए बहुत सारे छात्रों की जो है बैक लग गई है या फिर ग्रेस लग गई है। तो उन सभी छात्रों को जो है कैसे ग्रेस निकलेगी, कैसे आपको बैक पेपर होगा, अच्छा वही मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आप जो है स्कूटनी या रिवॉल्यूशन फॉर्म डाल दीजिए, तो उन दोनों में अंतर क्या होता है वो आज मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, आपको क्या क्या अंतर रहता है, कितने कितने रुपए का खर्चा आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में। हम आ गए आपको एक मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका बैक पेपर आपको कौन कौन सा स्कूटनी फॉर्म भरना है या रिवॉल्यूशन फॉर्म भरना है यदि आपकी बैक लगी है, दोनों में अंतर क्या रहेगा, इसका फीस जो है कितना रहता है। और आपको मैं बता दूँ इसकी जो स्कूटनी की फ़ीस कितनी रहेगी, चार बैक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन, और चार बैक से कम है तो भर सकते हैं और चार बैक से ज़्यादा है तो भर सकते हैं। तो ये सर आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। अच्छा चलिए दोस्तों, मैच ले चलता हूँ आपको एकदम मोबाइल की ब्लैंक स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिखा दूँ। देखो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रिवॉल्यूशन का कैसा रहता है, क्या रहता है, और आपका स्कूटनी क्या रहता है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, रिवॉल्यूशन का फॉर्म यदि आपकी एक बैग है, दो बैग है, तीन बैग हैं, तो अभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्म भर सकते हैं। यही जो है स्कूटनी है। स्कूटनी में क्या है, यदि आपकी एक बैग है या फिर आपका दो बैग है, जब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक बैग है तभी भर सकते हैं, दो बैग। अच्छा वही मैं आपको बताऊँ। अब बात करें इनकी प्राइस की, कितने रुपये रहते हैं। इसका जो है ₹500 का चार्ज रहता है पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट। इसमें जो है ₹60 का चार्ज रहता है, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपकी एक है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यदि आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तो रिवॉल्यूशन फॉर्म भरना है आपको, रिवॉल्यूशन फॉर्म भरना है तो आपका ₹500 आपका खर्चा आएगा, ठीक है ना, ₹500 खर्चा आएगा। यदि आपकी दो बैग हैं तो उससे जो है ₹1000 खर्चा आएगा। इस तरीके से रिवॉल्यूशन का खर्चा आता है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका स्कूटनी का 50-60 रुपये पर सब्जेक्ट होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन में क्या है, कॉपी दोबारा चेक होती है। रिवॉल्यूशन में क्या है, कॉपी दोबारा चेक होती है, कॉपी रीचेकिंग होती है पूरी, ठीक है, रीचेकिंग होती है। परंतु जो स्कूटनी होती है ना, स्कूटनी फॉर्म, इसमें क्या होता है, केवल और केवल आपके नंबर काउंट होते हैं। जैसे आपका एक प्रश्न है, दो नंबर इसमें मिले, तीसरा प्रश्न है इसमें दो नंबर मिले आपको, और चौथे प्रश्न में आपको जो है 5 नंबर मिले, तो केवल ये नंबर काउंट होंगे। जैसे आपको बता दूँ ये नंबर काउंट होंगे केवल, स्कूटनी में कुछ ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन रीचेक में आपका पूरा कॉपी दोबारा चेक होती है, सब कुछ नंबर दोबारा लिखे जाते हैं, नंबर भरते हैं, ठीक है, नंबर भर जाते हैं, एक दो नंबर भर जाते हैं। और बहुत सारे छात्रों में बैग निकल जाती है, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत सारे छात्रों का अपने हाथ से ही भरा था, छात्रों ने भी भरवाया था, क्योंकि लास्ट डेट निकल गई थी तो साइड नहीं चल रही थी, मैंने भरा था रात में। तो मैं आपको बता दूँ कि 5 नंबर थे एक लड़के का मॉस में, ठीक है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस में, उसका जो है बैग निकली थी, रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा था, उसके जो है 70 नंबर आए थे, ठीक है, एक लड़के के 21 नंबर आए थे, बताओ, सोच भी नहीं सकते इतने नंबर आए थे। तो रिवॉल्यूशन में बैक निकल जाती है, सभी छात्र इस फॉर्म को जरूर भर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बहुत जल्द, धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी छात्रों में, धन्यवाद, बाय बाय।